जय माता दी। दोस्तों आपका फिर से स्वागत है धर्म भक्ति चैनल में। दोस्तों आज 13 फरवरी दिन रविवार, सूर्य जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है, इसलिए आज ही के दिन कुंभ संक्रांति मनाई जाती है। साथ ही साथ दोस्तों आज ही के दिन त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग का निर्माण भी हो रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कुंभ संक्रांति का शुभ मुहूर्त, पुण्य काल, महत्व और साथ ही साथ पूजा विधि। दोस्तों शास्त्रों में कुंभ संक्रांति की महिमा वर्णित है। ऐसी माना जाता है कि कुंभ संक्रांति का जो महत्व है पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी तिथि से भी ज्यादा है। अतः इस दिन किए गए कोई भी शुभ कार्य जो है अवश्य फलमेव होते हैं, अर्थात उनका फल अवश्य मिलता है। दोस्तों कुंभ संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। विशेषकर दोस्तों कुंभ संक्रांति के दिन तिल का दान करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन दान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों कुंभ संक्रांति अर्थात कुंभ का सूर्य राशि और शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है? सूर्य देव जो है दोस्तों कुंभ राशि में प्रवेश 13 फरवरी यानी आज के दिन सुबह 3:41 पर कर गए हैं। ऐसे में कुंभ संक्रांति का जो पुण्य काल रहेगा वो 7:01 से आरंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 12:35 तक रहेगा। दोस्तों कुंभ संक्रांति के दिन नदियों में स्नान करने के बाद दान पुण्य करने की परंपरा है। सूर्य देव को जल अर्पित कर सूर्य गायत्री मंत्र के साथ सूर्य देव को जल अर्पित करें। इस दौरान आप सूर्य देव के मंत्र का जाप भी मन ही मन करते रहे। साथ ही इस दिन स्नान के बाद सूर्य ग्रह से जुड़ी वस्तुओं को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और इस दिन आप गेहूं, धान, कंबल, गरम कपड़े आदि का दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने जाना कुंभ संक्रांति कब है, शुभ मुहूर्त, महत्व। उम्मीद है आज की ये छोटी सी वीडियो आपके लिए कारगर साबित हुई। तो चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।